आज का हमारा टॉपिक है इजेक्टर ग्रिड। व्हाट इज़ द इजेक्टर ग्रिड? इजेक्टर ग्रिड जो है वो पार्ट होता है मोल्ड का जो सपोर्ट्स करता है मोल्ड प्लेट को और प्रोवाइड करता है स्पेस इजेक्टर प्लेट असेंबली के लिए। इजेक्टर प्लेट असेंबली में क्या क्या आती है हमारी? इजेक्टर प्लेट और रिटेनिंग प्लेट। ये जो असेंबली है इसको प्लेस्ड करने के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है। और ये इजेक्टर ग्रिड जो है वो नॉर्मली कंसिस्ट करता है बैक प्लेट पे हम जो है सपोर्ट ब्लॉक को माउंट कर देते हैं बाय क्लैंपिंग द्वारा। एंड अब नाउ हम बात करते हैं, इजेक्टर ग्रिड जो है मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, द इनलाइन इजेक्टर ग्रिड एंड द फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड एंड द सर्कुलर सपोर्ट ब्लॉक ग्रिड। अब बात करते हैं इनलाइन इजेक्टर ग्रिड। इनलाइन इजेक्टर ग्रिड में क्या होता है, ये बैक प्लेट है हमारी, ये सपोर्ट ब्लॉक है ये दोनों, और ये जो है चेन डॉटेड लाइन से जो शो कर रही है ये है हमारी इजेक्टर प्लेट असेंबली। इस व्यू में आप देख सकते हैं इजेक्टर प्लेट असेंबली, सपोर्ट ब्लॉक, ये क्लैंपिंग बोल्ट और ये बैक प्लेट। इसमें क्या होता है, इसमें हम साइड में नहीं लगाते, बस टू साइड लगा दिया और ये हमारा हो गया है। और ये जो है मेनली हम यूज़ करते हैं स्मॉल टाइप्स ऑफ मोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होता तब हम इनलाइन इजेक्टर ग्रिड यूज़ करते हैं। और इसमें हम जो है बीच में भी सपोर्ट लगा देते हैं, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं मल्टीपल इनलाइन इजेक्टर ग्रिड यूज इन कंजक्शन विद इजेक्टर बार सिस्टम। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इनलाइन इजेक्टर ग्रिड हम जो है सपोर्ट ब्लॉक और भी लगा देते हैं इसमें, जिससे कि मोल्ड प्लेट्स को, मोल्ड जो है हमारी मोल्ड प्लेट, उसे ज़्यादा सपोर्ट मिले, इसका यही पर्पज़ होता है। और ये जो सपोर्ट पिलर्स होते हैं, सपोर्ट ब्लॉक्स जो होते हैं, वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सपोर्ट पिलर्स जो है वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, और ये सपोर्ट पिलर होते हैं ये जो है इसी को सपोर्ट ब्लॉक भी कहते हैं। सपोर्ट पिलर और सपोर्ट ब्लॉक सेम है। और ये जो बैक प्लेट में माउंट होते हैं बाय क्लैंपिंग बोल्ट्स, बोल्ट द्वारा। अब हम बात करते हैं फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड में क्या होता है। इसमें हम फ्रेम होता है एक जो एनक्लोज्ड होता है, चारों तरफ से बंद टाइप का होता है, क्लोज्ड होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम टाइप में रेक्टेंगुलर इजेक्टर ग्रिड। इसमें क्या होता है, ये इजी टू मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि इसमें चारों रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, तो जो चारों हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लग रहे हैं चारों ब्लॉक। एक ब्लॉक हमने यहाँ माउंट कर दिया, एक यहाँ माउंट कर दिया, एक यहाँ, यहाँ, चारों अलग अलग ब्लॉक लिए और उसे बैक प्लेट पे माउंट कर दिया। तो ये इजी टू मैन्युफैक्चर है और ये सस्ता भी पड़ता है, और ये जो है सपोर्ट भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है मोल्ड प्लेट को, इसलिए हम सबसे ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। मगर ये छोटे मोल्ड्स के लिए होता है, मतलब छोटे मोल्ड्स में हम यूज़ करते हैं, काफ़ी बड़ा मोल्ड हो हमारा तो हम इसे इसकी तरफ नहीं जाते, रेक्टेंगुलर फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड की तरफ नहीं जाते, तो हम जाते हैं दूसरी तरफ है हमारा, सेकेंड है हमारा सर्कुलर फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड। हम इसे यूज़ करते हैं जब जो मोल्ड प्लेट का साइज है वो इंक्रीज हो जाए, जब इंक्रीज हो जाएगा तो हम इसे यूज़ करेंगे। इसमें हम ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं मोल्ड प्लेट को, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा सी, ये वाले में क्या है, ये हमारा इरेगुलर शेप्ड फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड। इसमें क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगुलर इजेक्टर ग्रिड के, उसे रिमूव कर देते हैं और इसमें ये जो है थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, और ये जो है ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी मोल्ड प्लेट को, और इसे हम सबसे कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसको बनाना और मैन्युफैक्चर करना बहुत कॉस्टली है और जो है एक्सपेंसिव पड़ जाता है, काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। जो हमारे फ्रेम टाइप में फर्स्ट ये मेन सबसे ज़्यादा यूज होता है रेक्टेंगुलर फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड, और फिर उससे कम सर्कुलर फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड, और इसे तो हम सबसे कम यूज़ करते हैं, इरेगुलर शेप्ड फ्रेम टाइप इजेक्टर ग्रिड। मगर ये वाला जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी मोल्ड प्लेट को,
सपोर्ट प्रोवाइड करता तो है, बस इसमें ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है, हमें कॉस्टली पड़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाता है, इसीलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। तीसरा है हमारा सर्कुलर सपोर्ट ब्लॉक ग्रिड। सर्कुलर सपोर्ट ब्लॉक ग्रिड में क्या होता है, सपोर्ट ब्लॉक जो होते हैं ये सर्कुलर होते हैं और ये सीधा ऐसे ही माउंट कर देते हैं हम इसमें बैक प्लेट में बाय बोल्ट द्वारा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा सपोर्ट ब्लॉक, ये बोल्ट द्वारा हम माउंट कर रहे हैं इसमें बैक प्लेट में। और जो इजेक्टर असेंबली होती है हमारी वो इसमें थ्रू होल्ड होती है, इजेक्टर प्लेट और जो रिटेनिंग प्लेट है वो थ्रू होल्ड होती है और इसके अंदर ही चली जाती है, इसके अंदर चली जाती है जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। और जब हम उसे एक्चुएट करते हैं तो ऐसे ही स्लाइड होते हुए इससे निकलती है। और बाकी दूसरों में जो था फ्रेम टाइप में और इनलाइन इजेक्टर ग्रिड में वो सपोर्ट ब्लॉक्स के अंदर रहती थी, मतलब सपोर्ट ब्लॉक के अंदर जो एक स्पेस बनता था उसके अंदर रहती थी, मगर इसमें डिफरेंट है, ये इसी के अंदर थ्रू होती है और इसी के अंदर कवर इसमें इजेक्टर प्लेट और रिटेनिंग प्लेट में होल होता है और वो इसमें घुस जाती है और वो एक्चुएट होती है बाय इजेक्टर रॉड जैसा नॉर्मल होती है। और ये जो है सर्कुलर सपोर्ट ब्लॉक ग्रेड जो है ये ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है मोल्ड प्लेट को, जब हमारे काफ़ी बड़े मोल्ड होते हैं तो हम इसकी तरफ जाते हैं। और जो सभी जो सपोर्ट ब्लॉक जो होते हैं हमारे, ये जो सर्कुलर हो गया, फ्रेम टाइप हो गया, इजेक्टर ग्रेड का जो मटेरियल होता है वो माइल्ड स्टील होता है।